तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जो हमें 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच हाइब्रिड फॉर्मेट के साथ दो कंट्रीज में देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तान और श्रीलंका दो कंट्रीज को यहां पर डिसाइड किया गया था, जहां पर पाकिस्तान में हमें चार महामुकाबले देखने को मिलने वाले थे, श्रीलंका में हमें नौ महामुकाबले देखने को मिलने वाले थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 की होस्टिंग पर सवाल उठाए। पीसीबी चाहता था कि भाई यहां पर नंबर ऑफ मैचेस जो पाकिस्तान में होने वाले हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, छह या फिर सात महामुकाबले हमें पाकिस्तान में देखने को मिले, और जिसके चलते भाई काफी लंबी बहस यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच चली, जिसके चलते एशिया कप 2023 के शेड्यूल को भी लगातार पोस्टपोन पर पोस्टपोन करते गए। लेकिन दोस्तों, एट द एंड सभी एशियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर शेड्यूल के ऊपर कल हमें आधिकारिक तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से फाइनल अपडेट देखने को मिल गया, जहां पर आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7:45 पर एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया जाएगा। और भाई यहां पर एक और अपडेट निकल कर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपने T&C रख रहा था उनको यहां पर पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया गया है। चार महामुकाबले हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, नौ महामुकाबले हमें श्रीलंका में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा एशिया कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी काफी ज्यादा बार ट्रोल हो चुका है, लेकिन शेड्यूल का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आज निकल कर आई है, जहां पर आज फाइनली हमें एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल शाम को 7:45 पर देखने को मिल जाएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि भाई सबसे पहले पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले शेड्यूल आपको क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर। जी हां, आज होने वाला है बहुत ही बड़ा महामुकाबला, जहां पर भारत के सामने होगा पाकिस्तान। जी हां, एमर्जिंग एशिया कप 2023 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि लीग स्टेज के दौरान टीम इंडिया ने अपने दोनों महामुकाबलों में वन साइडेड जीत दर्ज की। एक मैच में यश धुल ने शतक लगाया, एक मैच में यहां पर अभिषेक शर्मा ने शायद 84-86 रन की पारी खेली, जिसके चलते दोनों महामुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज करके एमर्जिंग एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया था। और अब सेमीफाइनल में आमने सामने होने वाली है भारत और पाकिस्तान, और यह महामुकाबला में आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से देखने को मिलेगा। ODI फॉर्मेट में महामुकाबला होने वाला है। मैच की लाइव टेलीकास्टिंग हमें स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगी, और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन इस मैच के रिगार्डिंग है सभी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर वेस्ट इंडीज 2023 को लेकर, जहां पर फिलहाल भारत की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। भारत और वेस्ट इंडीज आपस में दो मैचों की बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज फिलहाल खेल रहे हैं। पहला टेस्ट महामुकाबला डोमिनिका के स्टेडियम में देखने को मिला था, जहां पर टीम इंडिया ने एक इनिंग और 141 रनों से बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद भाई सभी की निगाह सीरीज के दूसरे व अंतिम टेस्ट महामुकाबले पर है, जो हमें 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 से त्रिनिदाद के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। सीरीज का डिसाइडर मैच है, यदि यहां पर आपकी वेस्ट इंडीज जीत जाती तो एक ऐसी सीरीज लेवल हो जाएगी, लेकिन अगर टीम इंडिया यहां पर जीत जाती तो भाई 2-0 से भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी, जिसके चलते महामुकाबले को लेकर दोनों टीमें अच्छी तरह से तैयारियां कर रही है। आपकी वेस्ट इंडीज की टीम ने सेकंड टेस्ट महामुकाबले के लिए स्क्वाड में एक बदलाव भी किया, लेकिन दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं तो प्लेइंग 11 में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लेइंग 11 में फर्स्ट टेस्ट महामुकाबले वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखने को मिली थी, बिल्कुल सेम टू सेम प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम हमें सेकंड टेस्ट महामुकाबले में भी धमाल करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है ICC
20 ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जो हमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत के 10 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। और इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही 10 की 10 टीमों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारी की शुरुआत कर दी। 8 टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था, श्रीलंका और नीदरलैंड इन दोनों टीमों ने क्वालिफायर महामुकाबलों में जीत दर्ज करके क्वालिफाई किया है। 10 की 10 टीमों ने अपनी तैयारी की शुरुआत कर दी, लेकिन स्क्वाड्स को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर स्क्वाड्स अनाउंसमेंट की डेडलाइन यहां पर कल आधिकारिक तौर पर अनाउंस हो चुकी है, जहां पर 5 सितंबर से पहले आपके आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपने सभी क्रिकेट बोर्ड्स को आईसीसी को अपने मतलब जो उनकी टीम होने वाली उनके नाम सौंपने हैं, यानी भाई आने वाले कुछ टाइम में यहां पर वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज सीरियसली थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्लेयर्स के लिए होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज आयरलैंड सीरीज को लेकर, जहां भारत वेस्ट इंडीज सीरीज के जस्ट बाद भारत की टीम आयरलैंड के दौरे पर जाएगी। 3 मैचों की T20 सीरीज होगी, सभी टॉप खिलाड़ी रेस्ट करते हुए नजर आएंगे। 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच डबलिन के स्टेडियम में तीनों T20 महामुकाबले में देखने को मिलेंगे। और भाई वहां पर आपके विराट कोहली ड्रॉप्ड रहेंगे, रोहित शर्मा ड्रॉप्ड रहेंगे, और भाई आप ऐसा बोल सकते हैं आपके मेन खिलाड़ी लॉन्ग फॉर्मेट से टोटली हमें डिस्टेंस बनाते हुए नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या हम यहां पर भारतीय टीम की कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ने यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर यह कंफर्म कर दिया गया कि जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर दोनों खिलाड़ी हमें इस सीरीज में कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबर अगर आपके ओपिनियन सर आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।